लास्ट तक बने रहें। इसको थेपड़ी बोलते हैं, उपलाई बोलते हैं, जो जलाने के काम में आता है, इस चीज़ का आपको पता है। और इससे खाद बनती है लिक्विड में, और जो बचा हुआ इसका जो पदार्थ है उसको भी आप अपने पेड़ पौधों में या कोई छोटा बगीचा है उसमें काम में ले सकते हैं। और इसका जो लिक्विड तैयार होता है उसको लगते हैं कम से कम 15 से 20 दिन। और इसके अंदर इतना ताकतवर ये लिक्विड है कि अगर आप प्रयोग करोगे तो आपको फिर यूरिया और डीएपी के खर्च से बचना बच सकते हो। और मैंने लहसुन में इसका प्रयोग किया भी है मेरे में, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इसको खाद कैसे तैयार करते हैं। ये एक 20 लीटर की बाल्टी है, और अगर आपको ज़्यादा मात्रा में तैयार करनी है तो प्लास्टिक का बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। आपको मार्केट में बड़ा 200 लीटर का ड्रम मिल जाएगा, आप वो ले लें। ये उपले आपके घर पे मिल जाएंगे, अगर नहीं भी मिलें तो आप किसी भी डेयरी फार्मर से ये ख़रीद सकते हैं, बहुत सस्ते हैं। इसमें एक ख़ास बात ये है, ये उपला या थेपड़ी न तो ज़्यादा ताज़ा हो और नहीं ज़्यादा पुरानी हो, मतलब 6 महीना के माइन की होनी चाहिए। 6 महीनों ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए, 6 महीनों ज़्यादा नहीं भी नहीं, 5 और 6 महीना की जितनी होनी चाहिए। अब ये ना आप इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। इस प्रकार इनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेना है, उसके बाद में हम इस बाल्टी में डालेंगे। इस बाल्टी में डालने के बाद में हम इसमें ऊपर से पानी डालेंगे। अब दोस्तों पानी डालने के बाद में ये हल्के होते हैं बदन में, तो ये ऊपर आ जाएंगे, तो इसके लिए आपको इनके ऊपर कोई भी पत्थर वगैरह या ईंट वगैरह भारी वस्तु रख देनी है। 15 से 20 दिन के बाद आप इसको, या तो जो प्लास्टिक का बड़ा बर्तन लेते हो तो आप उसके यहाँ नल लगा सकते हैं, टूंटी बोलते हैं, और उस टूंटी के माध्यम से जो लिक्विड है वो निकाल सकते हैं। या फिर आप इनको किसी कपड़े के द्वारा वैसे भी आप छानकर निकाल सकते हैं। प्रयोग आप ड्रिप द्वारा, अगर किसी सब्जी में ड्रिप लगा रखी है तो आप ड्रिप के माध्यम से भी इसको दे सकते हैं, वरना आप इसकी स्प्रे करेंगे तो ये साथ में कीटनाशक का भी वो करेगी और खाद का प्रयोग भी करेगी। एक बार किसान दोस्तों आप करके देख लो, उसके बाद में आपको यूरिया और डीएपी की ज़रूरी नहीं पड़ेगी आपके खेत में, और एकदम ऑर्गेनिक है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप एक बार ये ज़रूर देखें, और अगर इसमें कोई आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करें, अलग से एक वीडियो और बना देंगे। किसान साथियों, राम राम।